Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, we are going to discuss Aurobindo's philosophy. In Aurobindo's philosophy, we have three topics to discuss. First is involution, then evolution, and at the end of this video, we will discuss integral yoga. It's unique philosophy of yoga. It is different from Patanjali's yoga. So we will discuss his philosophy, and at the end of this video, we will discuss previous year questions that have appeared in the UPSC exam. ये descriptive questions हैं, तो जितने भी UPSC के state PSC के aspirants हैं उनके लिए ये video, आज का जो lecture video है ये काफी important होने वाला है, क्योंकि इसमें हम discuss करने वाले हैं अरविंद की philosophy को, जिसमें से हर साल कम से कम 15 या 20 number का एक question जरूर आता है. इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं आपके फिलोसफी के, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, और यूजीसी नेट हो गया, एमए हो गया, बीए हो गया, बीएड हो गया, जो भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपके काम आने वाली है, क्योंकि अरविंद का दर्शन जनरली सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है. जो जो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर फिलोसफी सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो उसमें अरविंद की फिलोसफी को पूछा जाता है. तो ये जो अरविंद घोष हैं, अरविंदो को हिंदी में हमारा इनका जो नाम है वो है अरविंद घोष. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कभी आपके एग्जाम में लिखा है अरविंद घोष और यहाँ पे लिखा है अरविंदो, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो फोटो दे रखी है ये जो अरविंद घोष बूढ़े हो गए थे तब की फोटो है. कुछ ऐसी भी फोटोज आपको देखने को मिलती है जिसमें वो जवान थे, यंग थे, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस फोटो से. ठीक है, तो अरविंदो और अरविंद घोष जो है वो एक ही है, और इनकी फिलॉसफी को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन और इंटीग्रल योगा. ठीक है, तो इन तीन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. और मैं उन बच्चों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो कि काफी लंबे टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पेपर वन में आपका बचा हुआ था अभी तक. और जो इंडियन का जो पार्ट था, पेपर वन का जो इंडियन वाला पार्ट था, वो कंप्लीट मैंने करा दिया है इस वीडियो के साथ में. आज आपका जो पेपर वन का जो पार्ट बी था इंडियन फिलोसफी वाला, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, आपके लिए तो है ही है. तो इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर टू. तो पेपर टू जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, पेपर टू को हम स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के साथ में. जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे. तो हम दो जो हमारे पार्ट है पेपर वन के, वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी, दोनों को हम पढ़ चुके हैं. अब जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, इसके बाद अरविंद की फिलोसफी के बाद, और वो हम पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ रिलीजन. सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाली चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो फिलोसफी है वो आपका पेपर वन है वेस्टर्न और इंडियन, और उसके बाद में आता है धर्म दर्शन यानी कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन. जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है वो थोड़ा जेनरिक सब्जेक्ट है. जेनरिक इसलिए है क्योंकि उसके जो जो टॉपिक्स हैं वो आप सोशियोलॉजी में, पॉलिटी में, और जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं जीएस के पेपर से उनमें आप पढ़ चुके होते हो, तो वो आपको काफी हेल्प करता है. लेकिन जो आपके पेपर वन के जो पार्ट्स हैं वेस्टर्न और इंडियन वाले, और पेपर टू का जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो इसलिए मैं जो है रिलीजन वाला पार्ट पहले ही लूंगा, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. इस तरीके से हम पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. इसके अलावा मैं बता दूं कि जिसको भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आपको 100 पेपर्स चाहिए प्रीवियस ईयर्स के, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. आप अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं. इस वीडियो के लिंक में आपको एक नंबर दिया होगा, उस पे कॉन्टैक्ट करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. आप जहां से चाहे वहां आपको सूटेबल लगे वहां आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ऑल ओवर इंडिया जो है उसकी डिलीवरी हो जाएगी. इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फिलोसफी ऑप्शनल का, पेपर वन और पेपर टू का,
तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी आप कहीं भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.darshanis.com पे, या फिर जो आपको नंबर दिया है वहां पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अरविंद का दर्शन, यानी कि महर्षि जो अरविंद घोष हैं, इनको महर्षि अरविंद घोष कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये योगी भी हैं, ये फिलोसोफर भी हैं। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट भी हैं, क्योंकि इन्होंने नेशनलिज्म की परिभाषा दी थी, ठीक है। हालांकि आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है कि इनका नेशनलिज्म क्या कहता है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, फिलोसोफर तो ये हैं ही, इसीलिए इनको हम आज फिलोसफी में पढ़ रहे हैं। ये योगी भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इनको योगी भी कहा जाता है। इनको गुरु भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी ज्ञान की बातें कही हैं, और कई सारे इन्होंने अपने जो कमेंट्रीज हैं वो लिखी हैं, कई सारे ट्रांसलेशंस किए हैं, और काफी सारा इन्होंने वर्क किया है, बहुत सारा इन्होंने लिटरेचर लिखा है। इनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको गुरु भी कहा जाता है। और इन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए अपना खुद का एक यूनिक विजन दिया था, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अरविंद घोष को पढ़ा है, और अगर आपने इनके ह्यूमन इवोल्यूशन को नहीं पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या है इनके हिसाब से, महर्षि अरविंद घोष ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, अगर ये हमने नहीं पढ़ा, बाकी हमने इनकी सारी फिलोसॉफी पढ़ ली, ठीक है, तो इनकी फिलोसॉफी अधूरी है, आप ये समझिए। क्योंकि इन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है सुपर ह्यूमन का। सुपरमैन नहीं है, सुपर ह्यूमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसको अति मानव कहते हैं। अति मानव की अवधारणा जो है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ह्यूमन, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो सेंट्रल थीम है, इनके इनका जो वर्क है इवोल्यूशन का, वो है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। और जो द लाइफ डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, यानी कि ह्यूमन लाइफ डिवाइन कैसे हो सकती है, एक ह्यूमन लाइफ दैवीय कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा इन्होंने की है अपने अति मानव के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इनका जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से ये कहते हैं कि जो मैन है वो एक ट्रांजिशनल बीइंग है, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य है वो एक कौन है, वो एक ट्रांजिशनल बीइंग है। ही इज नॉट फाइनल, मतलब हम कंप्लीट नहीं है, हमारा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है। द स्टेप फ्रॉम मैन टू सुपरमैन इज द नेक्स्ट अप्रोचिंग अचीवमेंट इन द अर्थ इवोल्यूशन। अगर हम अपने आप को देखते हैं तो पहले हम कौन थे, पहले अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम देखते हैं कि पहले हम पशु हुआ करते थे, और पशु में कौन सा, हम एक प्रकार का बंदर था, उससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उससे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। तो बंदर से हम क्या बन गए, हम मानव बन गए, अब हम पशु नहीं है, अब हम मानव हैं, ठीक है, हम मानव हैं, हमारी जो प्रजाति है होमो सेपियंस सेपियंस है, तो इस तरीके से। लेकिन ये जो अरविंद घोष हैं, ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसने कितनी तरक्की कर ली है, चाहे बायोलॉजिकली, चाहे वो मेंटली हो, और चाहे साइंटिफिक एडवांसमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी भी वो फाइनल बीइंग नहीं है, अभी भी वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और जो फाइनल स्टेज तक पहुंचने का जो उसका प्रोसेस है, उसका जो माध्यम है, वो है इंटीग्रल योगा, वो है उसका इंटीग्रल योगा, जिसके माध्यम से वो पहुंच सकता है। और इंटीग्रल योगा के माध्यम से जब व्यक्ति किसी स्टेज को प्राप्त करेगा, जैसे वो डिवाइन बीइंग बनेगा, उसको हम कहेंगे अति मानव या फिर सुपर ह्यूमन। जो सुपर ह्यूमन है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ये कहते हैं कि मनुष्य जब सुपर ह्यूमन बन जाएगा तो उसका सिर्फ अपना लिबरेशन नहीं होगा, बल्कि अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य का मतलब एक व्यक्ति का इवोल्यूशन नहीं होगा, पूरे मानव समाज का इवोल्यूशन होगा, पूरे मानव समाज का इवोल्यूशन होगा। तो जब हम बात करेंगे सुपर ह्यूमन की, यानी कि ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने के प्रोसेस की, तो जब सुपर ह्यूमन हम बनेंगे तो हम सभी बनेंगे, एक नहीं बनेगा, सभी हम बन जाएंगे, ठीक है, हम सारे के सारे सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, हमारे अंदर सुपर पावर्स होंगी, ठीक है। तो जो सुपर पावर्स होंगी, आप आपके माइंड में एक गाना आ रहा होगा, हमको कहते हैं सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, है ना, तो वो
वो वाला सुपरमैन नहीं होगा, सुपर ह्यूमन होगा, लेकिन उसके अंदर वो शक्तियां होंगी, दैवीय शक्तियां होंगी, जो कि आज के मनुष्य में नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में वापस जाते हैं, अगर हम मनुष्य के जो इवोल्यूशन है उसकी हिस्ट्री में अगर हम वापस जाते हैं, तो उसमें हमारे आज की डेट में हमारे पास जितनी पावर्स हैं उतनी पावर्स पुराने मनुष्य में नहीं थी, क्योंकि उसका मन जो था वो उतना विकसित नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अरविंद का जो सुपर ह्यूमन है वो सुपर ह्यूमन तभी बनेगा जब उसका मन विकसित होगा। मन विकसित होगा यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, द इवोल्यूशन ऑफ माइंड। जब इवोल्यूशन ऑफ माइंड होगा तो आज हमारे पास माइंड है और कल आज हमारे पास माइंड है तो हम कौन है? ह्यूमन है। लेकिन कल को हमारे पास सुपर माइंड होगा तब हम बनेंगे सुपर ह्यूमन। यानी कि सुपर ह्यूमन बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सुपर माइंड होना चाहिए। और सुपर माइंड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रल योगा का जो मार्ग है वो अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये समझेंगे कि सुपर ह्यूमन होता क्या है और इंटीग्रल योगा होता क्या है। आगे देखते हैं, श्री अरबिंदो सिंथेसाइज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी, रिलीजन, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी इन राइटिंग्स। ठीक है, यानी कि इनके अगर हम बात करते हैं इनके एरिया ऑफ वर्क की, ठीक है, तो इन्होंने काफी सारा काम किया है इंडियन फिलोसॉफी में भी, वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी। ये इंग्लैंड से पढ़ के आए थे तो इन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी को पढ़ा वहां पे। उसके बाद में जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडिया में काफी सारा धर्म दर्शन को पढ़ा, इन्होंने लिटरेचर काफी सारा पढ़ा, लिटरेचर लिखा भी है इन्होंने, इन्होंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है, मनोविज्ञान का भी इन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, सुपर ह्यूमन की बात करते हैं, अगर हम इनके जो इन्होंने सावित्री का जो ट्रांसलेशन किया है, ठीक है, तो इनकी जितनी भी फिलोसॉफी की बात करते हैं, दैट यू विल फाइंड द अमलगमेशन एक मिश्रित है, यानी कि एक मिश्रण है किसका? इंडियन और वेस्टर्न दोनों का। अगर हम इनकी फिलोसफी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके दर्शन में आपको सिर्फ वेस्टर्न की झलक मिलेगी, इनकी फिलोसफी में आपको इंडियन की भी झलक मिलेगी। अब क्योंकि ये इंडियन है तो ऐसा ही नहीं है कि इनकी फिलोसफी में सिर्फ इंडियन फिलोसफी की ही झलक मिलेगी, आपको वेस्टर्न फिलोसफी की भी झलक मिलेगी। तो दोनों को इन्होंने क्या किया? अमलगमेट किया और हमें एक सिंथेसाइज फिलोसफी दी। ठीक है, एक सिंथेसाइज सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट दिया, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवाइन बींग, दैट इज सुपर ह्यूमन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके काम की, तो इन्होंने पोएट्री लिखी है। ठीक है, इन्होंने कई सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, वेदों में इन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, उपनिषदों को इन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, गीता पर इन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं, प्ले लिखे हैं, लिटरेरी, सोशल, पॉलिटिकल और हिस्ट्रिकल क्रिटिसिज्म दिए हैं इन्होंने। इनके कई सारे डिवोशनल वर्क्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नल्स भी हैं, और इनके सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक आता है इनका द थ्री वॉल्यूम्स ऑफ लेटर्स, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और फिलोसफी में एक अच्छा प्लेस रखता है वो। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं अपनी फिलोसफी की क्लास की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अरविंद का इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन को समझने से पहले, इनकी पूरी फिलॉसफी को समझने से पहले, मैं इनकी पूरी फिलॉसफी को एक बार आपके सामने समराइज कर देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि फिर आपको पूरा जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनके इन्वोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद में हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, क्योंकि इनके हिसाब से पहले इन्वोल्यूशन होता है, उसके बाद में इवोल्यूशन होता है। ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो एकमात्र है, यानी कि ये अद्वैत वेदांत में विश्वास करते हैं, जैसे कि शंकराचार्य, शंकराचार्य बोलते हैं ना अद्वैत वेदांत, कि उनके हिसाब से जो वेदांत है वो कैसा है? अद्वैत है, उसमें डुअलिज्म नहीं है, वो कैसा है? वो मोनिस्टिक फिलोसॉफी है। ठीक है, वो अद्वैत वेदांती है। इसी तरीके से अरविंद घोष भी अद्वैत वेदांती है, और इनके हिसाब से जो रियलिटी है वो एक ही है, हाइएस्ट स्पिरिट, और वो क्या है? ब्रह्म। ठीक है, वो क्या है? वो सिर्फ ब्रह्म ही है। और जब ब्रह्म डिसेंड होता है, डिसेंड होता है यानी कि जब वो नीचे आता है धरती पर, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म का धरती की चीजों में इन्वॉल्वमेंट। जब वो इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन, यानी कि जो हाईएस्ट हाईएस्ट जो स्पिरिट है, ठीक है,
हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, हाईएस्ट जो रियलिटी है, जो ब्रह्म की जो हायर स्पिरिट है, जो सुपर माइंड से भी ऊपर की चीज है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। जब वो डिसेंड होता है, जब वो डिसेंड होता है तो आपको इस जगत की रचना दिखाई देती है, इस जगत के रूप में दिखाई देता है, भांति भांति की चीजों में आपको, भांति भांति चीजों के रूप में आपको दिखाई देता है। उसको कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ ब्रह्म। ठीक है, जब वो डिसेंडेंट होता है यानी कि वो इन्वॉल्व होता है किसमें, पृथ्वी की चीजों में, हमारे जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है उसकी चीजों में, तो उस इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में जब वो हायर ब्रह्म था, जब वो इन्वोल्यूट होता है धरती पर, तो धरती पे क्या है? धरती तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एम्पिरिकल रियलिटी है, और जो एम्पिरिकल रियलिटी है वो क्या है? वो सत्य तो है नहीं, वो क्या है? वो क्षणिक है। ठीक है, वो क्षणिक है, तो उसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन होगा, उसमें इवोल्यूशन होता है, यानी कि एक स्टेज से अगली स्टेज तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्म की बात करते हैं, उसमें इवोल्यूशन की जरूरत नहीं, वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसमें इवोल्यूशन क्या होगा, वो तो फाइनल स्टेज पे ऑलरेडी है। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तब वो फाइनल स्टेज पे नहीं होते हैं, वो स्टार्ट होता है मैटर से, वो मैटर से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो माइंड तक पहुंचता है। और हम अभी कौन से स्टेज पर हैं? हम अभी माइंड के स्टेज पर हैं, यानी कि जब ब्रह्म ने डिसेंड किया होगा पृथ्वी पर और उसने निर्माण किया होगा किसका, मैटर का, मैटर से धीरे धीरे हम जीव की रचना हुई, यानी कि हमारी रचना हुई, और हमें क्या मिला, हमें मन मिला। लेकिन जो अरविंद घोष हैं वो ये कहते हैं कि जब इन्वोल्यूशन हुआ था, जब हायर अथॉरिटी नीचे आई थी, तब हुआ था इन्वॉल्वमेंट उसका नीचे। ठीक है, और तब हमें स्टार्टिंग हुआ था किससे, मैटर से, मैटर से हमें मिला मन। लेकिन अब हमें ऊपर जाना है, यानी कि अब हमारा इवोल्यूशन होना है, पहले ऊपर से नीचे आया था ब्रह्म, अब नीचे ब्रह्म जो था वो हमारे रूप में है, तो हमें अब क्या करना है, हमें ऊपर जाके वापस ब्रह्म में मिलना है। हमें ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना इवोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि जब पहले ब्रह्म का इवोल्यूशन हुआ था, अब हमें ऊपर बढ़कर क्या करना पड़ेगा, अपना इवोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम ब्रह्म में जाके मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो यही है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, जिसको हम धीरे धीरे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो अरविंद घोष हैं वो ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो एसेंशियली एक ही है। ठीक है, लेकिन जो क्रिएशन है वो टू फोल्ड प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो क्या है, यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। यूनिटी किसकी, ब्रह्म की, एंड मल्टीप्लिसिटी किसकी, इस जगत की। इस जगत में क्या है, मल्टीप्लिसिटी, हमें भांति भांति चीजें, भांति भांति की जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई देती हैं। ही कंसीव्स क्रिएशन एज अ डबल प्रोसेस। उनके हिसाब से जो क्रिएशन है वो एक डबल प्रोसेस है। फर्स्टली अ डिसेंट ऑफ द स्पिरिट इनटू वर्ल्डली फॉर्म्स, दैट इज इन्वोल्यूशन। ये देखिए, ये कहते हैं फर्स्टली अ डिसेंट ऑफ स्पिरिट इनटू वर्ल्डली फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। यानी कि जब वो नीचे आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तब वो क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में क्या होता है, एसेंट ऑफ द वर्ल्डली फॉर्म्स इनटू इट्स ओरिजिनल हायर स्टेटस, दैट इज इवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि जब हम मन को प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इवॉल्व होना है, हमें ऊपर बढ़ना है, हमें एसेंट होना है, हमें ऊपर जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हायर स्टेटस को प्राप्त करेंगे, सुपर माइंड को प्राप्त करेंगे, और सुपर माइंड के माध्यम से हम हायर स्पिरिट तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि जो इन्वोल्यूशन है वो क्या है, द सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पहला होता है सत, दूसरा होता है चित्त, और तीसरा है आनंद। ठीक है, सत चित्त आनंद। तो यहां पे सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। ठीक है, तो जो अगर हम बात करते हैं ब्रह्म की, तो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म तो अपने आप में सच्चिदानंद है, और जब सच्चिदानंद नीचे आता है तब वो सच्चिदानंद नहीं रहता। ठीक है, तब वो क्या बनता है, तब वो मैटर से स्टार्ट करता है, एक पूरा प्रोसेस होता है इन्वोल्यूशन का,
मैटर से स्टार्ट होता है, और जो मैटर से स्टार्ट होता है फिर जो प्रोसेस चलता है ऊपर जाने का, ठीक है, वापस वापस ऊपर जाने का, यानी कि वापस ब्रह्म में लीन होने का, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। क्लियर है ना? तो जो ब्रह्म है वो क्या है, द सच्चिदानंद थ्रू द सुपर माइंड डिसेंड इनटू माइंड लाइफ एंड मैटर, दिस इज इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो सच्चिदानंद है वो क्या होता है, वो सुपर माइंड के जरिए क्या होता है, वो डिसेंड होता है यानी कि नीचे आता है इनटू माइंड, किसमें, मन के रूप में, लाइफ के रूप में, मैटर के रूप में। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अरविंदो, इन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी ऑफ क्रिएशन इमर्ज्ड फ्रॉम अ टाइमलेस, स्पेसलेस, इनएफेबल, इम्यूटेबल रियलिटी। ठीक है, ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि टाइमलेस है, स्पेसलेस है, इनएफेबल है और इम्यूटेबल, यानी कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये तो होना ही होना है। ठीक है, एक बार इन्वोल्यूशन होना है तो उसके बाद में इवोल्यूशन होना है, और ये प्रोसेस जो है इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन का चलता जाएगा। इन दिस प्रोसेस द रियलिटी एक्सटेंडेड इटसेल्फ टू सत बीइंग, यानी कि एग्जिस्टेंस। ठीक है, चित चित यानी कि कॉन्शियसनेस एंड आनंद मींस ब्लिस, यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम सच्चिदानंद की ओर ऊपर बढ़ते हैं जब हम इवोल्यूशन के प्रोसेस में ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, क्रिएशन इज द प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। ठीक है, यानी कि इग्नोरेंस का मतलब क्या है, अज्ञानता। अब भाई जो अगर हम बात करते हैं ब्रह्म की, तो ब्रह्म इग्नोरेंट तो नहीं होगा, ब्रह्म तो इग्नोरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी तो ब्रह्म ही है, सभी प्रकार का ज्ञान तो ब्रह्म में ही है। ठीक है, जब सब प्रकार का ब्रह्म उसमें ज्ञान जो है वो ब्रह्म में है, तो वो इग्नोरेंट नहीं हो सकता, वो कौन होगा, वो तो सर्व ज्ञाता है, वो सर्व ज्ञाता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीशियंट है। क्लियर, तो लेकिन जब वो धरती पे आता है, जब वो उसका डिसेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो उसका सामना किससे होता है, इग्नोरेंस से होता है, वो अज्ञानता से ऊपर उठता है। ठीक है, वो जब नीचे आता है तो उसमें क्या आती है, अज्ञानता आती है। इग्नोरेंस इज इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड कंप्लीट नेसेंस। और जो अज्ञानता है वो कहाँ रहती है, दो एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम्स में रहती है, पहला तो सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड कंप्लीट नेसेंस। सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या है, ब्रह्म हो गया, और कंप्लीट नेसेंस मतलब पूरी तरीके से पूर्ण अज्ञानता, दोनों के बीच में रहता है, दोनों के बीच में रहता है। कैसे, जो ब्रह्म था अपने आप में वो तो अपने आप से सर्वज्ञाता है, लेकिन जब वो डिसेंड होता है, जब वो डिसेंड होता है, जब धरती पे आता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, मैटर से होता है, तो जो मैटर की जो स्थिति है वो क्या है, वो कंप्लीट नेसेंस वाली स्थिति है, लेकिन कंप्लीट नेसेंस मैटर से लेके जो ऊपर जो ब्रह्म है उसके बीच की जो स्थिति है, उसके बीच की जो स्थिति है, वहां पे क्या आता है, माइंड आता है और सुपर माइंड आता है, तो वहां पे रहता है कौन, वहां पे रहती है इग्नोरेंस और जो आपका ज्ञान है यानी कि नॉलेज, दोनों वहां पे रहते हैं। हेंस इन द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन द डिवाइन डिसेंड्स फ्रॉम प्योर एग्जिस्टेंस थ्रू द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस फोर्स एंड ब्लिस एंड द क्रिएटिव मीडियम ऑफ सुपर माइंड इनटू कॉस्मिक बीइंग। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस इन्वोल्यूशन के प्रोसेस में जो डिवाइन है वो क्या होता है, वो नीचे धरती पे उतरते हैं, कहां से, प्योर एग्जिस्टेंस से, प्योर एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस की ओर। अब हम क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस नहीं है, प्योर एग्जिस्टेंस तो उस प्योर स्पिरिट का है जो कि डिवाइन है, वो कौन है, वो ब्रह्म है, हम ब्रह्म तो नहीं है, हम जब इवोल्यूट करेंगे तब हम वापस वहां पे पहुंचेंगे। आगे ये कहते हैं, अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इन्वोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, इन्वोल्यूशन का मतलब होता है जब हायर स्पिरिट इस दुनिया में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है, और जब इन्वॉल्व होती है तो उसमें क्या आता है, नेसेंस यानी कि अज्ञानता आती है, उस अज्ञानता को छोड़ के हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर इवॉल्व होना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, तब हम कौन बन जाएंगे, हम माइंड से सुपर माइंड की प्राप्ति कर लेंगे और वापस पहुंच जाएंगे हम जहां से आए थे, कहां से, ब्रह्म से आए थे, और ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे। ही डिस्क्राइब्स द इमर्जिंग ह्यूमन टू बी ए नॉस्टिक बीइंग। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो कौन है, वो एक नॉस्टिक बीइंग है। यहाँ पे नॉस्टिक का मतलब क्या है, GNOSTIC, यहाँ पे नॉस्टिक का मतलब क्या है, नॉस्टिक जो है वो नास्तिक नहीं है, ध्यान रखना,
ठीक है, यहाँ पे नास्तिक नहीं है जो ईश्वर में या फिर वेदों में विश्वास नहीं करता, ये नॉस्टिक वो नहीं है। यहाँ पे नॉस्टिक का संबंध होता है नॉलेज से, ठीक है। द नॉस्टिक बीइंग इज एन इंडिविजुअल हु हैज फुल सुप्रामेंटल नॉसिस, यानी कि नॉलेज, जिसके पास पूरी सुप्रामेंटल नॉलेज है, एंड सो हैज रियलाइज द सुप्रामेंटल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नॉट ओनली इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली एज वेल, ठीक है। यहाँ पे जो नॉस्टिक बीइंग है यानी कि हम, वो कौन है? हमारे पास सुप्रामेंटल नॉसिस है, हमारे पास एक ऐसी नॉलेज है जिसको हम इवॉल्व करके क्या क्या कर सकते हैं, हम उस हायर जो स्पिरिट है वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी हमारे पास माइंड है, इसको अगर हम डेवलप कर लें, अपनी नॉलेज को और डेवलप कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सुपर माइंड हो जाएगा, और उस सुपर माइंड से हम क्या कर सकते हैं, हम उस हायर स्पिरिट तक पहुंच सकते हैं जहां से हम आए थे, क्लियर। द सेंट्रल थीम ऑफ श्री अरबिंदोस विजन इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू द लाइफ डिवाइन, राइट, सी मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही स्लाइड में बताया कि जो मैन है वो कौन है, वो ट्रांजिशनल बीइंग है, ठीक है। वो एक समय से दूसरे समय में जा रहा है, पहले वो मैटर से मन की तरफ पहुंचा, अब मन से वो सुपर माइंड अति अति मनस की तरफ पहुंचेगा, अति यानी कि माइंड से वो सुपर माइंड की तरफ पहुंचेगा, और सुपर माइंड से वो कहाँ पहुंचेगा, ब्रह्म में, ब्रह्म तक पहुंचेगा। ही इज नॉट फाइनल, ठीक है, वो फाइनल नहीं है, वो डेवलपिंग है, वो इवॉल्विंग बीइंग है। द स्टेप फ्रॉम मैन टू सुपरमैन इज द नेक्स्ट अप्रोचिंग अचीवमेंट इन द अर्थ इवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ में अगर इवोल्यूशन होगा तो जैसे मैन बना है किससे, पशु से हम मनुष्य बने हैं, वैसे ही मनुष्य से हम क्या बन जाएंगे, हम सुपर मनुष्य बन जाएंगे, यानी कि अति मनुष्य बन जाएंगे, अति मानव बन जाएंगे, हम सुपर मैन बन जाएंगे, इट इज सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। इट इज इनएविटेबल बिकॉज इट इज एट वंस द इंटेंशन ऑफ द इनर स्पिरिट, इसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि जो इनर स्पिरिट है हमारी, जो इनर स्पिरिट है, जो जिसका इन्वोल्यूशन हुआ है हमारे अंदर, ठीक है, जिसका इन्वोल्यूशन हुआ है, जो डिसेंड होके नीचे आई थी, उसका यही इंटेंशन है, और इसको हम टाल नहीं सकते, उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर हम पशु से मनुष्य बने हैं तो ये भी उसकी इच्छा थी, और मनुष्य से जब हम अति मनुष्य बनेंगे, अति मानव बनेंगे, तो वो भी उसकी इच्छा से ही होगा, इसको टाला नहीं जा सकता, इट इज इनएविटेबल। आगे ये कहते हैं द सुप्रीम रियलिटी इज ब्रह्म, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, द डिवाइन, इट इज इटर्नल, एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट, ये सारी चीजें हम अद्वैत वेदांत में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द हाईएस्ट पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्म इज द सच्चिदानंद और एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस ऑल इन वन, ठीक है। जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो क्या, वो सच्चिदानंद है, वो क्या है, वो सत्य है, चित्त है और आनंद है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज इनडिटर्मिनेट एज वेल एज डिटर्मिनेट, यानी कि ये सगुण भी है और निर्गुण भी है, ठीक है, एज वन एज वेल एज मैनी, एज बीइंग एज वेल एज बिकमिंग, एंड येट इट ट्रांसेंड्स देम ऑल। ये बिल्कुल शंकराचार्य के ब्रह्म से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जो कि अरविंद घोष के ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि वो इंडिटर्मिनेट भी है और डिटर्मिनेट भी है, यानी कि वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। सगुण का मतलब है उसमें तीनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पाए जाते हैं, और ये कहते हैं कि वो इंडिटर्मिनेट भी है, उसमें वो निर्गुण भी है, यानी कि उसमें कोई गुण नहीं पाया जाता, वो एक शुद्ध चेतना है, वो अपने आप में प्योर कॉन्शियसनेस है, ऐसा ही कहते हैं। ये कहते हैं ही इज वन एज वेल एज मैनी, वही एक है और वही अनेक है। एक का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी यानी कि ब्रह्म, और अनेक का मतलब है जो भी अनेकों चीजें हमें इस ब्रह्मांड में, इस जगत में दिखाई देती हैं वो, ठीक है। ही इज बीइंग एज वेल एज बिकमिंग, बीइंग का मतलब ब्रह्म, बिकमिंग का मतलब दिस वर्ल्ड विच इज अंडर इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन चल रहा है, येट इट ट्रांसेंड्स देम ऑल, हालांकि वो इन सारी चीजों से ट्रांसेंड रहता है, वो इस दुनिया से क्या रहता है, वो इस दुनिया से परमार्थिक जगत में रहता है, जिसकी बात करते हैं ये ब्रह्म की। ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, शंकराचार्य के ब्रह्म से। अब हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस की, जो अरविंद घोष अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो
इवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसमें 8 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। He described 8 stages which involves both the process of involution and evolution. ठीक है, these are as follows. सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस, फिर आता है कॉन्शियसनेस, फिर आता है ब्लिस, सुपर माइंड, माइंड, साइकी, लाइफ एंड देन मैटर। ठीक है, एक बार इसको अगली स्लाइड से समझते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाली है इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन का। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो, वैसे तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी इस स्लाइड का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपको बाद में नोट्स मेकिंग में काम आएगा। इसको आप चाहो तो एग्जाम में बना भी सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन आता है अरविंद घोष का, तो उसमें आप इजीली समझा पाओगे और आपके खुद के समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि पहले क्या होता है, इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है कि ब्रह्म नीचे आता है, उसके बाद में इवोल्यूशन होता है, हम ब्रह्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इन्वोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, इन्वोल्यूशन में जो 8 स्टेजेस हैं उनमें फर्स्ट से लेके 8 तक नीचे आती है, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में क्या बताया था इन्होंने, एग्जिस्टेंस, उसके बाद में बताया था कॉन्शियसनेस, फिर बताया था ब्लिस और उसके बाद में बताया था सुपर माइंड, यानी कि जो प्योर एग्जिस्टेंस है वो किसका है, वो तो ब्रह्म का है। और ब्रह्म में क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। ब्रह्म जब नीचे आता है तो कॉन्शियसनेस के साथ में आता है और उसी में क्या होती है, उसी में ब्लिस यानी कि आनंद है, यानी कि एग्जिस्टेंस यानी कि सत है, कॉन्शियसनेस यानी कि चित है, और ब्लिस का मतलब क्या है, आनंद, यानी कि जो सुपर माइंड के ऊपर रहता है। या अब यहाँ पे देखो सुपर माइंड आता है, अतिमन आता है, अतिमनस, और यहां से ऊपर अगर कोई रहता है तो वो कौन है, वो सच्चिदानंद है। एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस यानी कि सत चित आनंद है, और ये सत चित आनंद कौन है, यही ब्रह्म है। ठीक है, ये जब नीचे आता है तो ये क्या किसके रूप में आता है, सुपर माइंड के रूप में आता है। अब सुपर माइंड से जब ये नीचे डिसेंड होता है और लोअर हेमिस्फीयर यानी कि एम्पिरिकल वर्ल्ड में आता है, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है लोअर हेमिस्फीयर यानी कि इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है डिसेंड हो रहा है। ठीक है, ये एम्पिरिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत में जब ये आता है तो ये और नीचे आता है तो फिर ये क्या बनता है, सुपर माइंड से ये बन जाता है माइंड। ठीक है, और हम अभी कहाँ हैं, हम यही हैं, हम अभी यही है, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है, अगर हम इवोल्यूशन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है वो कौन सी होगी, वो सुपर माइंड की ही होगी, और सुपर माइंड के थ्रू हम पहुंच जाएंगे ब्लिस पे, फिर कॉन्शियसनेस पे, और फिर हम पहुंच जाएंगे एग्जिस्टेंस यानी कि सच्चिदानंद पे। तो अभी हम कहाँ है, अभी हम है यहाँ पे पांचवी स्टेज पे, जो कि है किसकी, माइंड की। और माइंड से पहले हम क्या थे, साइकी, हमारे पास क्या आई थी, आत्मा, और आत्मा से पहले हमें क्या मिला था, जीवन मिला था, और जीवन किसको मिलता है, मैटर को, यानी कि सबसे पहले जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, उसमें सबसे पहले जो आता है वो मैटर आता है, उसके बाद में आती है लाइफ, लाइफ के बाद में आता है साइकी। अब ये जो इवोल्यूशन है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एसेंट, यानी कि अब हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम मैटर से किसकी तरफ जाएंगे, अब हम मैटर से जाएंगे सच्चिदानंद की ओर, यानी कि हायर स्पिरिट की ओर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा होगा इवोल्यूशन। अभी किसका हुआ था, अभी हुआ था इन्वोल्यूशन, क्योंकि हायर स्पिरिट नीचे आई थी और वो क्या बनी थी, वो मैटर बनी थी। अब हमें क्या बनना है, मैटर से लाइफ में जाना है, लाइफ से साइकी में, साइकी से माइंड में, माइंड से जाना है सुपर माइंड में, सुपर माइंड से ब्लिस मिलेगी, ब्लिस से कॉन्शियसनेस, उसके बाद में एग्जिस्टेंस यानी कि फिर हम बन जाएंगे ब्रह्म, और फिर शंकराचार्य की तरह हम क्या कहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेज है, पहली जो स्टेज है इसकी इवोल्यूशन की, वो क्या है, वो मैटर की है। ठीक है, ये मैटर की स्टेज है। अब मैटर में आती है लाइफ, लाइफ में जब आएगी तो हमें क्या मिलेगा, आत्मा। लाइफ तभी मानी जाएगी जब हमारे पास आत्मा होगी, साइकी होगी। ठीक है, और साइकी के बाद में जब आत्मा होती है तो हमें क्या मिलता है, मन भी मिलता है। और अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यही हैं, इसी स्टेज पे हैं जहाँ हमारे पास मैटर, लाइफ, साइकी और माइंड, ये चार चीजें, पांच चीज
सॉरी, ये चार चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका इवोल्यूशन करना है, अभी हमें इसका विकास करना है, क्योंकि हम कौन है, हम नॉस्टिक बीइंग हैं। हम नॉस्टिक बीइंग इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार की सुप्रामेंटल नॉलेज है, यानी कि और जो नहीं है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी नॉलेज जो कि फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर की चीज है, ठीक है। लोअर हेमिस्फीयर नहीं, अभी तक हम किसमें थे, अभी तक तो हम लोअर हेमिस्फीयर में हैं, यानी कि एम्पिरिकल वर्ल्ड में है। लेकिन अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है अपर हेमिस्फीयर, यानी कि सुपर सुपरमल या फिर डिवाइन में, ठीक है। यानी कि अब हमें अपर हेमिस्फीयर में जाना है, डिवाइन हेमिस्फीयर में जाना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अब हमारे पास चाहिए हमें सुपर माइंड। सुपर माइंड जब हमें मिलेगा तो उससे हम प्राप्ति करेंगे किसकी, ट्रुथ कॉन्शियसनेस और ब्लिस की, यानी कि सच्चिदानंद की प्राप्ति फिर हमें हो जाएगी। और जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि टीवी पे कुछ शोज आते हैं जिसमें कुछ बाबा लोग बैठ के क्या करते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, तो उसमें वो कई बार कहते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, ठीक है। तो अभी तक तो आपको नहीं पता होगा कि सच्चिदानंद क्या होता है, तो अब आप समझ जाओ सच्चिदानंद का मतलब है ब्रह्म, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी विच इज एब्सोल्यूट, टाइमलेस, इमेफेबल एंड इम्यूटेबल, विच इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशियंट, हु नोज एवरीथिंग, दैट इज द सुपर स्पिरिट, दैट इज द डिवाइन बीइंग, दैट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस, इज इट क्लियर। तो उसी को हम कहते हैं क्या, सच्चिदानंद, सत चित्त आनंद, यानी कि एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं अरविंद घोष के इंटीग्रल योगा की, ये भी इनका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अरविंद के इंटीग्रल योगा की ही बात की गई हो, लेकिन अभी तक का क्लास आपने इसलिए ले लिया, हो सकता है आपने स्किप करके भी लिया हो वीडियो को, क्योंकि वो फिर इसका पार्ट था इसलिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटीग्रल योगा पढ़ते हैं तो आपको जो इनका इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको भी आपको समझना चाहिए, और अगर आपको इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन समझना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रल योगा भी पता होना चाहिए, क्योंकि माइंड से सुपर माइंड तक पहुंचने की जो विधि है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो इंटीग्रल योगा ही है। तो इसलिए हम इंटीग्रल योगा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते जब हम इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन को पढ़ते हैं, और ना ही हम इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं जब हम इंटीग्रल योगा को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म योगा लिटरली मीन्स यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलन। देयरफॉर द बेसिक एम ऑफ ऑल काइंड ऑफ योगा इज द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी। अगर हम बात करते हैं पतंजलि के योग दर्शन की, तो वहां पे योगा का मतलब यूनियन नहीं होता, वहां पे योग का मतलब होता है कि जब पुरुष अपने रियल नेचर को पहचान जाता है, वो ये समझ जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं और प्रकृति के गुण मेरे नहीं है, मैं पुरुष हूं और मैं कौन हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, तो वहां पे उसका योग हो जाता है, ठीक है। तो उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उसको कैवल्य मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है, उसको लिबरेशन मिल जाता है। बट दैट इज इंडिविजुअल लिबरेशन, वो सिर्फ एक का लिबरेशन होता है। यहाँ पे जो अरविंद घोष है वो इंटीग्रल योगा के थ्रू इंडिविजुअल लिबरेशन की बात नहीं करते, बल्कि कलेक्टिव लिबरेशन की बात करते हैं, होलिस्टिक लिबरेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि भाई माइंड से सुपर माइंड की तरफ बढ़ना है, और सुपर माइंड के थ्रू हम ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो जब सुपर ह्यूमन बनेंगे तो कोई एक आदमी तो नहीं बनेगा, यानी कि अगर लिबरेशन होगा तो एक आदमी का थोड़ी ना होगा, सभी बन जाएंगे तो सभी का होलिस्टिक लिबरेशन होगा, क्लियर। तो ये डिफरेंस है अरविंद के इंटीग्रल योगा का पतंजलि के योग दर्शन से, ठीक है। अब इंटीग्रल योगा इज अ योगा ऑफ सिंथेसिस एम्ड एट हार्मोनाइजेशन ऑफ द पाथ्स ऑफ काम, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति योग। यहाँ पे ये काम नहीं है, ये कर्म है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या है कि जो इंटीग्रल योगा है ये कहते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के थ्रू आपको क्या करना है, आपको हार्मनी बिठानी है, यानी कि आपको हार्मोनाइजेशन करना है किसके लिए, किसके साथ में,
अपने माइंड का सुपर माइंड के साथ में, इंटीग्रल योगा, ऑल्सो नोन एज पूर्ण योग, ठीक है, इसको हम पूर्ण योग के नाम से भी जानते हैं, सुप्रामेंटल योगा के नाम से भी जानते हैं, दैट रिफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ द यूनियन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ वंस बीइंग विद द डिवाइन, जिसमें हमारे पार्ट के हमारे हमारे जो हम हैं, यानी कि हम जो बीइंग हैं, यानी कि हम जो माइंड हैं, हम जो मनुष्य हैं, अभी हम मन वाली स्थिति पे हैं, सुपर माइंड वाली स्थिति पे नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है जब इवोल्यूशन होगा तो उसके लिए हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम सुपर माइंड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, हमारा जो बीइंग है वो क्या कहलाएगा, वो डिवाइन बीइंग कहलाएगा, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग था उसी का तो इन्वोल्यूशन हुआ था जब नीचे आया था, जब हम नीचे से ऊपर पहुंचेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम डिवाइन बीइंग बन जाएंगे, यानी कि जब हम पहुंचेंगे सुपर माइंड से ऊपर तब हमें क्या मिलेगा, सच्चिदानंद मिलेगा, सच्चिदानंद क्या है, वो एक डिवाइन बीइंग है, तो हम क्या बन जाएंगे, हम सभी के सभी डिवाइन बीइंग बन जाएंगे, हमारा होलिस्टिक लिबरेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके इंटीग्रल योगा के गोल की, इसका लक्ष्य क्या है, जो इंटीग्रल योगा है उसका लक्ष्य क्या है, द गोल ऑफ इंटीग्रल योगा इज टू एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन विच ऑल बीइंग्स विल अटेन लिबरेशन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि सभी को लिबरेशन मिलेगा। श्री अरबिंदो इंडिकेटेड दैट द एम ऑफ हिज योगा इज द डिवाइनाइजेशन ऑफ अर्थ बाय ब्रिंगिंग डाउन व्हाट ही कॉल्ड इज अ सुपर माइंड व्हिच इज द ट्रुथ कॉन्शियसनेस, ठीक है। योग के थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, ये सुपर माइंड को नीचे लेके आना चाहते हैं, जिससे कि मन का जो मिलन है वो सुपर माइंड से हो सके, और सुपर माइंड से जब मिलेगा तब वो सच्चित और आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाएगा, और यही गोल है किसका, इंटीग्रल योगा का। द पर्टिकुलर मेथड ही सजेस्टेड इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, हमें अपने व्यक्तित्व के सभी पार्ट्स का क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड देयर इवेंचुअल सरेंडर, और हमें उसको इवेंचुअली सरेंडर भी करना पड़ेगा। सच नॉस्टिक इंडिविजुअल्स, यानी कि हम कौन है, हम नॉस्टिक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, नॉस्टिक यानी कि हम ऐसे ट्रांजिशनल बीइंग्स हु हैव supramental consciousness, who have supramental knowledge, ऐसे individuals जो हैं, ऐसे such kind of gnostic individuals would then become the basis of a new society, and that society will consist of all the superhumans, culminating a divine life on earth, सारे superhumans बन जाएंगे अर्थ पे, तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, divine life आ जाएगी, ठीक है, दैवीय जीवन आ जाएगा, क्योंकि हम कौन बन जाएंगे, हम तो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो स्पिरिचुअल यूनियन विद द डिवाइन कैन टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस। ये एक बार क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी के एग्जाम में, अभी हम लास्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन विद द डिवाइन, यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल यूनियन होगा, हमारा जो आध्यात्मिक मिलन होगा किसके साथ, दैवीय शक्ति के साथ, यानी कि डिवाइन के साथ में, कैन टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस, यानी कि जब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो वेक होगी, यानी कि जगेगी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है जब वो जगेगी, देयर इज नो नीड ऑफ समाधि और स्कैटिक ट्रांस इन विच वेकिंग कॉन्शियसनेस कंप्लीटली फेड्स आउट एंड लूज द कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग्स, और हमें समाधि में जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उससे पूरा कांटेक्ट लूज कर देते हैं और ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं। हमें ऐसी किसी समाधि में जाने की जरूरत नहीं है जिस समाधि की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, ठीक है, असंप्रज्ञात जो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है जो फाइनल स्टेज है समाधि की, उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि हम पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसेंड कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, और अपनी सराउंडिंग्स को भी निग्लेक्ट करके हमारा जो मिलन है वो कहाँ हो जाता है, वो ईश्वर के साथ में हो जाता है, डिवाइन के साथ में हो जाता है, ठीक है। हम हमारा जो पुरुष है वो सिर्फ स्वयं को देखता है, वो प्रकृति को भूल जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो प्रकृति है चारों तरफ, उसको हमें, उससे हमें कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना है। इट एक्सेंचुएट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल लिबरेशन बट ऑल्सो द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड एंड द इमर्जेंस ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कि जो मानव जाति है उससे आगे बढ़कर एक डिवाइन लाइफ,
दैवीय जो जीवन होगा उसकी उत्पत्ति होगी, उसकी रचना होगी किस पर? पृथ्वी पर, जब हम इंटीग्रल योगा का मार्ग अपनाएंगे। नेक्स्ट आगे की कहते हैं, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ योगा एज रिकमेंडेड बाय श्री अरबिंदो लेज डाउन सच यूनिक टेक्निक्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल योगिक डिसिप्लिन्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूजुअल योगिक डिसिप्लिन्स क्या होता है, कि भाई जो पुरुष है वो प्रकृति को, वो पुरुष अपने आप को पहचान ले, प्रकृति से अपने आप को अलग समझे, और उसके लिए जो योगिक डिसिप्लिन्स हैं, जो अष्टांग योग होता है, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि, उससे अलग बात करते, उससे ये अलग बात करते हैं। ठीक है, श्री अरबिंदो योगा इनके लिए जो, अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो योगा इज द एफर्ट टू मूव द माइंड अलोंग द पाथ ऑफ एसेंट। फॉर दिस अ थ्री फोल्ड प्रोसेस इज रिकमेंडेड विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस अर्लियर। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ साइकिसाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ सुपर मेंटलाइजेशन। ये तीन प्रोसेस इसमें बताए गए हैं, यानी कि जब हम इंटीग्रल योगा का मार्ग अपनाएंगे तो उसमें हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको इन्होंने बोला है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। और वो जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किससे? मैन से सुपर मैन की तरफ, यानी कि माइंड से सुपर माइंड की तरफ बढ़ने के लिए उस वो प्रोसेस में तीन चीजें होंगी, उसमें तीन तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सबसे पहला होगा हमारा साइकसाइजेशन, दूसरा होगा स्पिरिचुअलाइजेशन, तीसरा होगा सुपर मेंटलाइजेशन। ठीक है, और जो साइकसाइजेशन है उसको हम एक बार देखते हैं। इस तरीके से हम तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या है ये तीनों। सबसे पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ साइकसाइजेशन, ये क्या कहता है? साइकसाइजेशन इन्वॉल्व्स अ परसिस्टेंट एफर्ट टू रियलाइज द सेंट्रलिटी ऑफ द साइकिक बीइंग, द जीवात्मा। यानी कि जो जीवात्मा है उसको हमें समझना है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, विच रिप्रेजेंट्स द डिवाइन इन मैन, जो कि मैन में डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली दैट एस्पेक्ट रिमेन्स वील्ड एंड इन द बैकग्राउंड। जनरली क्या होता है, वो बैकग्राउंड में छुपा रहता है, और अरविंद घोष क्या कहते हैं कि इसको हमें जगाना है। ठीक है, एंड श्री अरविंदो फील्स दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू अवेकन इट। यानी कि हमारे अंदर जो दैवीय शक्ति छुपी हुई है, हमारा काम क्या है? सबसे पहले उसको जगाना है, और ये जो जगाने का जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं साइकसाइजेशन। दस इन दिस स्टेप कॉन्शियसनेस हैज टू टर्न इन वर्ड्स एंड हैज टू रिफॉर्म अकॉर्डिंगली द फिजिकल, द वाइटल एंड द मेंटल, ऑल बेस्ड ऑन लव, डिवोशन एंड एडोरेशन। और ये सभी किसके ऊपर बेस्ड होंगे? लव, डिवोशन और एडोरेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे? हम अपने साइकी को अवेक कर पाएंगे, हम अपने जो साइकसाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन, यानी कि इंटीग्रल योगा का जो सबसे पहला प्रोसेस था वो था प्रोसेस ऑफ साइकसाइजेशन, जिसमें हम साइकी को क्या करते हैं? अवेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो है स्पिरिचुअलाइजेशन, यानी कि आध्यात्मिकीकरण, यानी कि अब हमें क्या करना है? अध्यात्म की ओर बढ़ना है। स्पिरिचुअलाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ योगा। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ओपनिंग आउट। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? ओपन आउट होगे। साइकिक चेंज प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल, द वाइटल एंड मेंटल। यानी कि हमने पिछले प्रोसेस में जो साइकिसाइजेशन था उसमें हमने क्या किया था? साइकिक चेंज हुआ था, जिसमें हमने फिजिकल, वाइटल और मेंटल को ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? नाउ द मेंटल मस्ट स्टार्ट इट्स ऑनवर्ड मार्च बाय ओपनिंग इटसेल्फ आउट टू हायर कॉन्शियसनेस, टू द सुपर कॉन्शियसनेस। अब हमें क्या करना है? उस जगी हुई जो हमारी साइकी थी उसको पहले हमने जगाया था साइकिसाइजेशन में, अब स्पिरिचुअलाइजेशन में उस साइकिसाइजेशन को, यानी कि उस साइकी को हमें क्या करना है? ऊपर उठाना है, हायर कॉन्शियसनेस, अब हमें उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू ब्रिंग आउट टू हायर कॉन्शियसनेस। अब हमें इसको कहाँ ले जाना है? अब हमें इसको हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना है। ठीक है, जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, जहां पे हम होती है क्या? सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना है। जब हम सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएंगे तभी तो हमें मिलेगा सुपर माइंड। बाय दिस प्रोसेस द सेल्फ सीक्स टू ब्रिंग टू इटसेल्फ पीस, पावर, नॉलेज एंड ब्लिस। और जब हम सुपर
कॉन्शियसनेस की तरफ अपनी साइकी को ले जाते हैं तो वहां हमें मिलती है पीस, शांति, पावर, शक्ति, नॉलेज, ज्ञान, ब्लिस, और ब्लिस यानी कि आनंद। ठीक है, इस तरह से एंड द स्पिरिचुअलाइजेस इट्स थॉट्स एंड एक्शंस। और जितने भी हमारे चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो हमारे विचार हो, चाहे वो हमारे एक्शंस यानी कि कर्म हो, सभी का आध्यात्मिकीकरण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? साइकिसाइजेशन, इसमें हम अपनी साइकी को जगाते हैं, और दूसरा था स्पिरिचुअलाइजेशन यानी कि उसको हम ऊपर उठाते हैं, स्पिरिचुअलाइज करते हैं यानी कि हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रोसेस है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सुपर मेंटलाइजेशन। सुपर मेंटलाइजेशन में क्या होगा? फाइनली द थर्ड स्टेप ऑफ सुपर मेंटलाइजेशन इज नीडेड। इन दिस प्रोसेस कॉन्शियसनेस इज फुली डिवाइडेड एंड द एंटायर पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस। अब जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, मैन वाली अलग हो जाएगी और सुपरमैन वाली अलग हो जाएगी। अब हमारा जो इंटायर पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। ऑल फोर्सेस ऑफ डिसयूनिटी एंड डुअलिटी आर सस्पेंडेड एंड द विजन ऑफ कंप्लीट यूनिटी इमर्जेस। ठीक है, यानी कि जितनी भी डुअलिटी थी वो सारी क्या हो जाएगी? वो सस्पेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ही रियलिटी रहेगी और वो क्या रहेगी? ब्रह्म, सुपर माइंड, सच्चिदानंद। ठीक है, श्री अरविंदो फील्स दैट देयर आर फोर डिफरेंट स्टेजेस इन पूर्ण योग फॉर स्टिलिंग ऑल स्टॉर्म एंड ट्यूमल्ट ऑफ द मेंटल। यहाँ पे जो अरविंद घोष हैं उनको लगता है कि जो पूर्ण योग है उसमें क्या होती है? चार स्टेजेस होती हैं, और वो क्या है उनको एक बार हम समझते हैं, जिससे कि सभी प्रकार के जो स्टॉर्म्स है, जो ट्यूमल्ट है, वो शांत होती है। और वो उसमें क्या कहते हैं ये? दे आर क्वाइट, अचंचलता, काम, स्थिरता, पीस, शांति एंड द साइलेंस, निर्वात। ये चार स्टेजेस हमें मिलती है। दीज फोर आर नॉट क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, दे रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिवली द स्टेजेस थ्रू विच माइंड इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, यानी कि ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं है। और इनमें क्या होता है? इनमें प्रोग्रेसिवली, और ये प्रोग्रेसिवली चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है? जो माइंड है वो पूरी तरीके से हमारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी आउटवर्ड के, जो बाहर के जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं, सभी से फ्री हो जाता है। सुपर मेंटलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट टू चेंजेस, यूनिवर्सलाइजेशन विच इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड ट्रांसेंडेंटलाइजेशन which is nothing but the knowledge of the identity of divine। ठीक है, यानी कि सुपर मेंटलाइजेशन में क्या चीज क्या होगी? हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? ट्रांसेंडेंटलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो इस भौतिक जगत से परमार्थिक जगत तक पहुंच जाएगी। उसकी जो पहुंच है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड तक हो जाएगी, which is nothing but the knowledge of the identity of the divine। और वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा? वो दैवीय शक्ति को पहचानने की आपकी शक्ति होगी, जिसको ज्ञान के रूप में ये देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं इनके इंटीग्रल योगा के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी। श्री अरविंदो डिस्क्राइब्स द कॉस्मोस इन टर्म्स ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्शंस ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशंस। वन हैंड देयर इज अ वर्टिकल हायरार्की ऑफ फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल, एंड काउंटर पार्ट देयर इज कॉन्सेंट्रिक हायरार्की ऑफ आउटर, इनर एंड साइकिक बीइंग। तो हम सबसे पहला वाला जो है वो हम देखते हैं, जिसमें ये वर्टिकल हायरार्की की बात करते हैं इंटीग्रल योगा के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें वाइटल, मेंटल और फिजिकल, वाइटल और मेंटल की बात करते हैं। ये क्या है इनको एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक हायरार्की की, जो कि है आउटर, इनर एंड साइकिक बीइंग। तो इसको एक बार हम समझते हैं। इसकी जो सबसे पहली जो फैकल्टीज हैं वर्टिकल डिवीजन में, इसमें ये तीन चीजें बताते हैं। पहला बताते हैं फिजिकल, और दूसरा बताते हैं वाइटल, और तीसरा बताते हैं ये मेंटल। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल का क्या मतलब है इनका। इंटीग्रल योगा डज नॉट रिकमेंड फॉर सप्रेशन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके सप्रेशन की बात नहीं करता,
उनके सप्रेशन की बात नहीं करता, बट इट एम्फसाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ इट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योग। जैसा कि पहले भी इन्होंने कहा था कि हमें अपने मन और विचार, अपने कर्म और विचार दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें स्पिरिचुअलाइज करना है, दोनों का हमें आध्यात्मिकीकरण करना है। तो जब दोनों के आध्यात्मिकीकरण की बात करते हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो फिजिकल पार्ट है उसको क्या करते हैं, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, ये नहीं करते, उसको सप्रेस करने की बात नहीं करते। वाइटल में ये कहते हैं इंटीग्रल योगा इट इज नेसेसरी टू चेंज द वाइटल स्ट्राइविंग अवे फ्रॉम सेल्फ एंटर डिजायर रिवॉल्व्स एंड मेक इट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द योगा। यानी कि जब हमें अपने मन से, अपनी चेतना से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजायर्स हटानी पड़ेंगी, जो रिवॉल्व्स हैं यानी कि जो विद्रोह हैं, ये सारे जब हमें हटाने पड़ेंगे तभी हम योग की स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल में कहते हैं द कॉन्सेप्चुअल एंड कॉग्निटिव माइंड कैन बी टेम्ड टू द डिवाइन थ्रू राइट एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग एंड एस्पिरेशन। जो मेंटल प्रोग्रेशन होगा उसमें क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल एंड कॉग्निटिव माइंड जो है अभी हमारे पास, ठीक है, दैट कैन बी टेम्ड टू द डिवाइन थ्रू राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड के थ्रू इसको क्या करेंगे, हम उसको प्रोग्रेस कर पाएंगे, और एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएंगे, और राइट एस्पिरेशन हमारे पास होगा, और वो एस्पिरेशन क्या होगा, सुपर माइंड। ठीक है, हम सुपर माइंड के लिए तो एस्पायर करेंगे, सुपर माइंड से हमें क्या मिलेगा, सुपर कॉन्शियसनेस मिलेगी, सुपर कॉन्शियसनेस के बाद में आएगा ब्लिस, उसके बाद में आएगा एग्जिस्टेंस, यानी कि इस तरीके से हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, अब इनका जो दूसरा वाला जो है टाइप्स ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेट डिविजन्स, किसका, योग का, वो क्या है, द आउटर बीइंग, द इनर बीइंग एंड द साइकिक बीइंग। इसमें ये क्या कहते हैं, सबसे पहला जो है आउटर बीइंग, नेक्स्ट है द इनर बीइंग, उसके बाद में है साइकिक बीइंग। ठीक है, तो आउटर बीइंग की बात करते हैं पहले। इंटीग्रल योगा इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड द सुपरफिशियल लिमिटेड फिजिकल वाइटल एंड मेंटल सरफेस एग्जिस्टेंस टू द लार्जर लाइफ ऑफ द इनर बीइंग व्हिच इज मोर ओपन टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। यानी कि ये सिर्फ इनर बीइंग की बात नहीं करता, ये स्पिरिचुअल, ये आउटर बीइंग की भी बात करता है और उसके स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की भी बात करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं इनर बीइंग की, द रियलाइजेशन ऑफ इनर बीइंग इज एसेंशियल फॉर हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इट इंक्लूड्स द इनर रियल्स ऑफ फिजिकल वाइटल एंड मेंटल बीइंग्स। नेक्स्ट है इनका साइकिक बीइंग, इट इज जीवात्मा दैट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन इन मैन। यानी कि हर व्यक्ति में जो जीवात्मा होती है वही रिप्रेजेंट करती है, वही प्रतिनिधित्व करती है किसका, डिवाइन का, दैवीय शक्ति का मनुष्य के अंदर। द गोल ऑफ इंटीग्रल योगा इज टू मूव इन वॉर एंड डिस्कवर द साइकिक बीइंग। ठीक है, और जो इंटीग्रल योगा का जो गोल है वो क्या है, वो यही है कि साइकिक बीइंग को क्या करे, डिस्कवर करे, विच कैन ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आउटर नेचर, जिसको हम क्या कर सकें, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, किसमें, आउटर नेचर में, और उसके बाद में उसको हम ले जाएं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। नेक्स्ट, इस तरीके से हम देख चुके हैं कि इनका, अरविंद घोष का इन्वोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, इंटीग्रल योगा क्या है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। इन्वोल्यूशन का मतलब है हायर स्पिरिट जब इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं, वो डिसेंड होती है, नीचे उतरती है पृथ्वी पर, तो उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। और वही स्पिरिट जब मैटर से वापस ब्रह्म की तरफ इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। बीच में आता है सुपर माइंड, और इवोल्यूशन के लिए सुपर माइंड की आवश्यकता होती है। जब वो नीचे आती है तब भी उसको सुपर माइंड की आवश्यकता होती है, तो बीच में आता है सुपर माइंड, और अभी हम माइंड के प्रोसेस पे हैं। जब हम सुपर माइंड को प्राप्त करेंगे, सुपर माइंड के बाद हमें मिल जाएगा कौन, सच्चिदानंद मिल जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा, हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन था। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटीग्रल योगा अपनाना चाहिए। इंटीग्रल योगा के लिए जरूरी है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन योग हमें करने हैं, और जिसमें हमें तीन प्रोसेस अपनाने हैं, साइकिसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन और सुपर मेंटलाइजेशन। ये तीन प्रोसेस हमें अपनाने हैं। इन तीनों प्रोसेस को अपना के हम क्या कर पाएंगे, हम इंटीग्रल योगा को कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो है मन
सुपर माइंड बनेगा और फिर हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, जिससे कि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और ये जो अर्थ है वो डिवाइन अर्थ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन बीइंग आ जाएंगे, डिवाइन मैन आ जाएंगे। अभी हम मैन है फिर डिवाइन मैन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम जो है वो एक ट्रांजिशनल बीइंग है, क्योंकि हम अभी मैन से सुपरमैन की तरफ बढ़ रहे हैं। योगा पतंजलि वर्सेस अरविंदोज इंटीग्रल योगा पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो अरविंद का योग दर्शन है वो पतंजलि के योग दर्शन से भिन्न है या एक जैसा है। अगर भिन्न है तो कितनी भिन्नताएं हैं, अगर सिमिलर है तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी सिमिलैरिटीज की। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है, एक्सेप्टेंस ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी, दोनों इवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करते हैं सांख्य योग में, तो उसमें इवोल्यूशन होता है प्रकृति का और इसमें इवोल्यूशन हो रहा है मैन का। नेक्स्ट, बोथ हैव एक्सेप्टेड गॉड, थीस्टिक अप्रोच, दोनों की जो अप्रोच है वो थीस्टिक है, दोनों ईश्वर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस इज रूट कॉज ऑफ बॉन्डेज, दोनों लोग ये मानते हैं, यानी कि जो बंधन है उसका कारण क्या है, वो इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता है। ये तो सारे इंडियन फिलोसफीज मानते हैं, सारे जितने भी दर्शन है, जितने भी भारतीय दर्शन है, सारे मानते हैं। इवोल्यूशन इज टेलियोलॉजिकल नॉट मैकेनिकल, इवोल्यूशन जो है वो टेलियोलॉजिकल है, वो मैकेनिकल नहीं है। ये बात पतंजलि का योग दर्शन भी मानता है और इनका अरविंद घोष का भी मानता है। वर्ल्ड कम्स आउट फ्रॉम मटेरियल एलिमेंट्स, यानी कि वर्ल्ड जो है वो कहां से आता है, मैटर से आता है, जिसको सांख्य योग में प्रकृति कहा गया है, प्रकृति से बनता है, और यहाँ पे ये मैटर बोलते हैं, दोनों ही चीजें सेम है, तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन योगा फिलोसॉफी जगत इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम प्रकृति, ठीक है, योग में क्या है, जो जगत है वो प्रकृति से बना है। व्हाइल इन सी और विंडोज फिलोसॉफी मैटर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, मैटर से बना हुआ है, बट इन इटसेल्फ मैटर इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट, लेकिन अगर हम डिसेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, वो लास्ट प्रोसेस, यानी कि डिसेंट का मतलब है ऊपर से नीचे आना, यानी कि इन्वोल्यूशन, जब हायर स्पिरिट नीचे आती है तो वो क्या है, सबसे लास्ट हो जाता है, और अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, ऊपर बढ़ने की, तो वो सबसे पहला हो जाता है। नेक्स्ट, हेयर मैटर इज नॉट एक्सेप्टेड एज प्योर मैटर, सम डिग्रीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट देयर, ठीक है, क्योंकि मैटर में जब लाइफ होगी तभी तो उसमें फिर क्या होगा, साइकी आएगी, साइकी आएगी तभी तो माइंड होगा, माइंड होगा तभी तो हम सुपर माइंड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैटर है वो प्योर मैटर नहीं है, उसमें सम डिग्री ऑफ लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स इज सेम इन बोथ प्लेसेस, दोनों ही फिलोसफीज में बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो है वो सेम है। इंसान के इट इज एक्सेप्टेड एज प्रकृति, और जो अरविंद का दर्शन है, योग दर्शन, उसमें ये क्या है, ये मैटर है। अब हम देखते हैं दोनों की डिससिमिलैरिटीज, दोनों में डिससिमिलैरिटी क्या है। एक तरफ है हमारे पास पतंजलि का योग और दूसरी तरफ है हमारे पास अरविंद का योग, दोनों में अब हमें देखना है डिससिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में भेद क्या है, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। पहले हम बात करते हैं पतंजलि के योग की, ये है एक डुअलिस्टिक फिलोसफी। डुअलिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष दोनों को मानते हैं, इनके लिए जो सत्य है वो दो है, एक प्रकृति है एक पुरुष है, लेकिन ये इंटीग्रल अद्वैतिज्म की बात करते हैं, इनके लिए सिर्फ एकमात्र सत्य है, वो क्या है, ब्रह्म, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शंकराचार्य की तरह ये अद्वैत जानती है। नेक्स्ट, गॉड इज नॉट द हाईएस्ट एम, ट्रीटेड एज मीडियम फॉर अटेनिंग समाधि, यहाँ पे मम नहीं है, यहाँ पे है मीडियम, इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो जो गॉड है वो क्या है, उसको समाधि को प्राप्त करने का मीडियम बताया गया है। यहाँ पे गॉड जो है वो क्या है, वो सुप्रीम रियलिटी है, अल्टीमेट एंड है, जिसको हमें प्राप्त करना है, और वो कौन है, वो सच्चिदानंद है। नेक्स्ट, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एंड देन डिसोल्यूशन अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी, यानी कि यहाँ पे जो टेलियोलॉजी वो अनकॉन्शियस होती है। अनकॉन्शियस क्यों होती है, क्योंकि जो प्रकृति है जिससे इवोल्यूशन होता है वो अनकॉन्शियस होती है, पुरुष से उसमें कॉन्शियसनेस आती है, क्योंकि पुरुष कॉन्शियस होता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो टेलियोलॉजी है वो कैसी है, जो पहले इवोल्यूशन होता है उसके बाद में इवोल्यूशन होता है, और इनकी जो टेलियोलॉजी है वो कैसी है, वो कॉन्शियस टेलियोलॉजी है, क्योंकि इनकी इनका जो मैटर है उसमें सम सॉर्ट ऑफ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट,
टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल रियलिटीज, पहला है कॉन्शियस पुरुष और दूसरा है अनकॉन्शियस प्रकृति, अगर हम सांख्य योग की बात करते हैं। और हम बात करते हैं इनके अरविंद के दर्शन की, तो इनके लिए क्या है, द अल्टीमेट रियलिटी इज सच्चिदानंद। ठीक है, डुअलिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड, डुअलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, ये इंटीग्रल अद्वैतिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पतंजलि के योग की बात करते हैं तो जगत को वो सत यानी कि रियल मानते हैं, बिकॉज इट इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का मैनिफेस्टेशन जगत से ही तो होता है ना, प्रकृति का जो प्रदर्शन है वो जगत से ही होता है। और अरविंद घोष ये कहते हैं जगत इज सत यानी कि जो जगत है वो रियल है, बिकॉज इट इज द रियल एक्सप्रेशन ऑफ सच्चिदानंद। ये रियल एक्सप्रेशन किसका मानते हैं, सच्चिदानंद का मानते हैं, लेकिन ये प्रकृति का मानते हैं कौन, पतंजलि। अब पतंजलि के योग का जो एम है वो क्या है, समाधि तक पहुंचना। समाधि से हमें क्या मिलेगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी, लेकिन जो योग दर्शन है किसका, अरविंद घोष का, इसका एम क्या है, एम ऑफ इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल योगा की ओर पहुंचना, टू फाइंड द स्टेटस ऑफ सुपर माइंड, जिससे कि आपको सुपर माइंड के स्टेटस की प्राप्ति हो सके और आपको सुपर माइंड का स्टेटस मिल जाए, जिससे कि आप बन जाओ क्या, सुपर माइंड, सॉरी सुपर ह्यूमन बन जाओ। नेक्स्ट, अब जो पतंजलि का योग है वो इम्फेसिस देता है इंडिविजुअल लिबरेशन पे, ठीक है, इंडिविजुअल लिबरेशन पे इम्फेसिस देता है। और जो अरविंद घोष का जो है वो है होलिस्टिक लिबरेशन वाला, ये देते हैं, ये किसकी बात करते हैं, होलिस्टिक लिबरेशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पतंजलि का जो योग है इंडिविजुअल लिबरेशन की बात कैसे करता है, कि मैं जब अष्टांग मार्ग अपनाऊंगा तो मेरी आत्मा का जो लिबरेशन है वो होगा समाधि की अवस्था तक पहुंच के मुझे लिबरेशन मिलेगा, जो दूसरा व्यक्ति नहीं अपनाएगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके अरविंद के योग की, तो अरविंद के योग में जो मनुष्य है, मनुष्य सॉरी जो मानव जाति है वो पूरा इस प्रोसेस को अपनाएंगे, किसको, इंटीग्रल योगा के प्रोसेस को, जिसमें जितने भी स्टेजेस होती हैं वो सभी को अपनाएंगे, फिर उनका क्या होगा, वो पूरी मानव जाति जो है वो क्या बन जाएगी, सुपर ह्यूमन बन जाएगी, वो अति मानव बन जाएगी। जब वो अति मानव, पूरी पूरी मानव प्रजाति अति मानव की तरफ बढ़ जाएगी, यानी कि सभी का जो मन है वो विकसित हो जाएगा इतना कि वो अति मनस बन जाएगा, अति मन बन जाएगा, तो वो कौन बन जाएगा, अति मानव बन जाएंगे, यानी कि सभी जो ह्यूमन है वो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो सभी का क्या होगा, होलिस्टिक लिबरेशन होगा ना, एक साथ सबका लिबरेशन होगा, जो अर्थ है उस पर क्या आ जाएगा, डिवाइन आ जाएगा, द लाइफ डिवाइन ऑन अर्थ। क्लियर, तो यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि द लाइफ डिवाइन ऑन अर्थ इसका क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब है कि लाइफ डिवाइन ऑन अर्थ का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के जो मन है वो इतना विकसित हो जाएगा, वो सुपर माइंड की तरफ अग्रसर हो जाएगा, वो अति मानवता को प्राप्त कर लेगा, अति मनस को प्राप्त कर लेगा, जिससे कि उसको सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेक्चर वीडियो इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो 2022 में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 15 नंबर का। ये कहते हैं कि एक्सप्लेन एंड इवेलुएट द रोल ऑफ इंटीग्रल योगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल इवोल्यूशन एज एक्सपाउंडेड बाय श्री अरविंदो। आराम से आप समझा देंगे कि अरविंद घोष का जो इंडिविजुअल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें ट्रिपल जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बताया था, सबसे पहले साइकेटाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, उसके बाद सुपर मेंटलाइजेशन, उसमें इंटीग्रल योगा का क्या रोल है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, जब हम इंटीग्रल योगा का मार्ग अपनाते हैं तो उसमें हम ज्ञान भक्ति और कर्म का मार्ग अपनाते हैं, जिससे हमारे जो ट्रिपल प्रोसेस है वो जो ट्रिपल प्रोसेस है जिससे हमारा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे पहले हम अपनी साइकी को अवेक करते हैं, उसके बाद में उसका हम आध्यात्मिकीकरण करते हैं, उसके बाद में उसको हम ऊपर उठाकर क्या करते हैं, उसका हम सुपर मेंटलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसको हम अति मानवता की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अति मानवता की ओर ले जाने वाला जो प्रोसेस है वो है कौन सा, वो है इंटीग्रल योगा का। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रल योगा है वो हमारा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ये 2021 में पूछा गया था, 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द अवेकिंग ऑफ साइकिक बीइंग यानी कि साइकसाइजेशन, यहां तक क्लियर है, एंड इट्स ग्रेजुअल प्रोमिनेंस ओवर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बीइंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ मैन, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन। इसमें भी आपको जो थ्री जो ट्रिपल प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है वही आपको समझाना है, ठीक है, कि सबसे पहले अब क्या करते हैं हम, अवेकनिंग ऑफ साइकी करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, साइकेसाइजेशन, जो कि इंटीग्रल योगा का क्या है, प्रोसेस है, जो सबसे पहले हम करते हैं साइकेसाइजेशन। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है स्पिरिचुअलाइजेशन। वो करते हैं कि हम अपने इनर और आउटर बीइंग को क्या करते हैं, स्पिरिचुअलाइज करते हैं, आध्यात्मिकीकरण करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका सुपर मेंटलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसका हम अति मानवीकरण करते हैं, जिससे कि हम उसको हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अति मानवता की ओर आगे बढ़ते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। यही आपको इसमें समझाना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर दे जाएगा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज अरविंदो मीन बाय लाइफ डिवाइन एज अ पॉसिबिलिटी एंड इनएविटेबिलिटी। 2020 में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने आपको इनएविटेबिलिटी बताया था। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, जो होना ही होना है। अब अगर इस पृथ्वी पर अज्ञानता आई है, ईश्वर की कृपा से आई थी, ठीक है, जब हायर स्पिरिट जो है वो डिसेंट होती है, तब क्या आता है, तब डिसेंट आता है, यानी कि अज्ञानता आती है, और उस अज्ञानता से ऊपर जब हम उठते हैं तो हमें मिलता है मन, मन से हम ऊपर उठते हैं तब हमें मिलता है अति मन, अति मनस मिलता है, यानी कि सुपर माइंड मिलता है, सुपर मनस से ऊपर उठते हैं तो हमें मिलता है सच्चिदानंद, और ये सब उसकी इच्छा से ही होता है जिसको हम टाल नहीं सकते। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी है और ये एक इनएविटेबिलिटी भी है, किसकी, कि लाइफ डिवाइन की। और लाइफ डिवाइन का मतलब क्या है, कि ऐसा जीवन जो दैवीय है, और ऐसा जीवन जो दैवीय है वो किसका है, वो है सुपर ह्यूमन का, यानी कि अति मानव का, और यही अति मानव का मतलब है लाइफ डिवाइन से। लाइफ डिवाइन एज अ पॉसिबिलिटी एंड इनएविटेबिलिटी। पॉसिबिलिटी वो इसलिए है क्योंकि वो इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि चलता आ रहा है। पहले हम पशु थे, बाद में हम मनुष्य बने, इसके बाद में हम अति मनुष्य बनेंगे, अति मानव बनेंगे। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो चलती आ रही है और वो होके ही रहेगी। इनएविटेबिलिटी जिसको हम टाल भी नहीं सकते, यानी कि जो डिवाइन लाइफ है, तो डिवाइन लाइफ है, दैवीय जीवन है, वो पृथ्वी पर आकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य के बाद में, सॉरी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पशु के बाद में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से मनुष्य के बाद में अति मानव की रचना और उत्पत्ति अवश्य होगी। ये पॉसिबल भी है और ये इनएविटेबल भी है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर, और ये आया है 2019 में, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन द यूनिक पोजीशन ऑफ द सुपर माइंड इन द मेटाफिजिकल स्कीम ऑफ अरविंदोस फिलोसफी, ठीक है, अरविंद के दर्शन में जो इनका मेटाफिजिकल स्कीम है उसमें सुपर माइंड की यूनिक पोजीशन क्या है। सुपर माइंड की यूनिक पोजीशन ये है कि ये माइंड से ऊपर रहता है और सच्चिदानंद से नीचे रहता है, ठीक है, और जब मन हमारा इतना विकसित हो जाता है कि वो सुपर माइंड बन जाता है, अति मनस बन जाता है, तो वो क्या करता है, तो वो ऊपर उठता है और वो सच्चिदानंद को प्राप्त करता है। यही उसकी यूनिक पोजीशन है, और ये सब पॉसिबल होता है इंटीग्रल योगा से, जिसमें तीन प्रोसेस होते हैं जो कि है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के। पहला है साइकलाइजेशन, दूसरा स्पिरिचुअलाइजेशन, और तीसरा तीसरा कौन सा है, सुपर मेंटलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ये पूछा गया था 2018 में, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, और अरविंदो के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन है मैटर से सच्चिदानंद की ओर जाना, सीधी सी बात है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ नॉस्टिक बीइंग इन हिज फिलोसफी, ठीक है। इसमें आप ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करेंगे, प्रोसेस समझा देंगे, साइकेसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुप्रामेंटलाइजेशन। उसके बाद में
नॉस्टिक बींग का नेचर भी समझा देंगे। नॉस्टिक बींग का नेचर ये होता है कि वो क्या होता है, ही हैज द कैपेसिटी टू गेन ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, ही हैज द कैपेसिटी ऑफ सुप्रामेंटल नॉलेज, जो सुप्रामेंटल नॉलेज को गेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉस्टिक बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आया था 2017 में, 15 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ डज श्री अरविंदोस इंटीग्रल योगा हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, अरविंद का जो योग है वो सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने में किस तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है, बता दोगे, आराम से बता दोगे, है ना, कैसे करता है, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2016 में 20 नंबर का आया था, ये कहते हैं डिस्कस अरविंदोस व्यूज ऑन इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन, बता दोगे, इवोल्यूशन क्या है, मैटर से सच्चिदानंद की ओर जाना, इन्वोल्यूशन क्या है, सच्चिदानंद का मैटर में इन्वॉल्व होना, यानी कि इस प्रकृति में इन्वॉल्व होना, यानी कि डिसेंड होना, यानी कि नीचे आना इन्वोल्यूशन है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल योगा फिलोसफी, ट्रेडिशनल योगा फिलोसफी का मतलब है यानी कि जो पतंजलि का योगा है उससे ये किस तरीके से भिन्न है। पतंजलि का जो योगा है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है इंडिविजुअल लिबरेशन की, जबकि इनका जो योगा है वो बात करता है होलिस्टिक लिबरेशन की, क्लियर। इस तरीके से दोनों जो है वो भिन्न है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये है श्री अरविंदोस इंटीग्रल योगा, इसको आप क्लियरली 2015 में आया था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन, आराम से समझा दोगे इंटीग्रल योगा क्या है, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा से हमें बार बार इसको बताना पड़ेगा इंटीग्रल योगा क्या है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आपका ये होमवर्क रहेगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो इंटीग्रल योगा क्या है अपने कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इंटीग्रल योगा अरविंद घोष का क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज पूछनी है, कुछ भी कहना है, कोई आपके सजेशंस हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके जानने वाले फिलासफी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो, है ना। और इसके साथ में अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो उसको भी परचेज कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए जो स्टडी मटेरियल में जो आपके सॉल्व पेपर्स हैं उनको परचेज कीजिए और उसके बेस पे अपने जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये था आपका इंडियन फिलॉसफी का लास्ट लेक्चर वीडियो, इसके साथ में आपका पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई एम सो मच हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेपर, द एंटायर फर्स्ट पेपर ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द स्टेट दैट इज ऑफ इमेंस प्लेजर, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कम से कम पहला जो पार्ट है, पहला जो पेपर है वो कंप्लीट कर दिया है यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, ठीक है। हालांकि इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन जिसका फायदा होना है उसका होना चाहिए। और ये उन बच्चों के लिए मैंने किया है जो बच्चे एक भारी भरकम फीस जो है वो पे नहीं कर सकते, तो वो आराम से अपना यूट्यूब पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2, और पेपर 2 जो है वो उसमें हम जो पार्ट 2 है फिलोसफी ऑफ रिलीजन वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं द कॉन्सेप्ट द नोशन ऑफ गॉड से स्टार्ट करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास, हैव अ गुड डे।